गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनके मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो हमारे या तो ग्रुप वन को बिलोंग करते हैं या ग्रुप टू को बिलोंग करते हैं। ग्रुप वन को हम अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं एंड ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू में कौन कौन से मेटल्स होते हैं आइए देखते हैं। तो ग्रुप वन जो होता है उसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम चूंकि रेडियोएक्टिव होता है इसलिए अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। ग्रुप टू में जो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। रेडियम इसमें रेडियोएक्टिव होता है इसलिए इसको हमने अभी इंक्लूड नहीं किया। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हमारे ग्रुप वन एंड ग्रुप टू को बिलोंग करते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हमें कैसे करना है, तो ये बड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे, इनके जो मेटल्स क्लोराइड हैं उन मेटल्स क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो हमें रिस्पेक्टिव मेटल्स जो है वो मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स। तो उनके मेटल क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमें मेटल्स जो होता है मिल जाता है। हम एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें लिथियम मेटल्स जो है ये एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें फ्यूज्ड लिथियम क्लोराइड विथ KCl एडेड, तो हमें मेल्टेड NaCl मेल्टेड लिथियम क्लोराइड का हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा। उसमें हम KCl जो होता है वो ऐड कर देते हैं। KCl क्यों ऐड करते हैं, ताकि लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे आ जाए, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस और इजी हो जाए। इलेक्ट्रोलिसिस इजी हो जाएगी और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो सेव हो जाएगी, तो प्रॉफिट हो जाएगी, प्रोसेस क्या होगी, इकोनॉमिकल हो जाएगी। इसके बाद अगर हमें सोडियम चाहिए तो हमें फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड इसमें ऐड कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए। पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो फ्यूज्ड KCl, मतलब फ्यूज मतलब मेल्टेड फॉर्म होता है, मोल्टन KCl विद कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं, ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम कर सके। मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, KCl उसमें ऐड करते हैं ताकि मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम कर सके। कैल्शियम के लिए कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, बेरियम के लिए बेरियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, और एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे क्लोराइड नहीं, एल्यूमिनियम का अगर हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो एल्यूमिनियम का केस बिल्कुल अलग है। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू मेटल्स क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एल्यूमिनियम अगर मेटल चाहिए तो एल्यूमिना Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो आइए इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। सपोज कि हमको सोडियम चाहिए तो हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड फिट कर दिए और हमने मोल्टन NaCl जो है वो हमने डाल दिया। थोड़े से अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड भी डालते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड जो होता है थोड़ा सा अमाउंट डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट ही कोई दूसरा मिलेगा अगर आपने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया तो, ठीक है। तो थोड़ा सा अमाउंट डालेंगे ताकि उसके मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जा सके। हमने ये डाला, क्या होगा, मेल्टेड सोडियम क्लोराइड क्या होगा, मेल्टेड सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। क्लोरीन नेगेटिव तो मूव करेगा कहां, पॉजिटिव प्लेट की ओर, मतलब एनोड की ओर, और सोडियम मूव करेगा कैथोड की ओर। तो एनोड रिएक्शन देखते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे रिएक्शन होगी क्लोरीन नेगेटिव गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl बनेगा, और दो क्लोरीन जो मिलके क्या बनते हैं, Cl2 बना देगी और ये गैस बनके निकल जाएगी। यहां पे दो क्लोरीन एटम क्यों मिलाए, क्योंकि क्लोरीन का एग्जिस्टेंस जो होता है वो Cl2 के फॉर्म में ही होता है। तो ये एनोड रिएक्शन हो गई। कैथोड रिएक्शन क्या होती है, तो कैथोड रिएक्शन देखते हैं क्या होती है, RxN मतलब रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है RxN, ठीक है। Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोडियम बनेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, तो चार्ज जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज जो होता है वो गायब हो जाता है, मतलब चार्ज आयन जो होता है, चार्ज आयन जो होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में बनता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडा है।
तो क्लोरीन नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा? सीएल में, और दो क्लोरीन मिलके सीएल टू बनाएंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट सीएल टू के फॉर्म होता है। यहाँ एन ए पॉजिटिव क्या बनाएगा? एन ए, मतलब ये न्यूट्रल हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो आयन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब ग्रुप वन एंड ग्रुप टू का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके हमें मेटल्स क्लोराइड लेना पड़ेंगे। मेटल्स क्लोराइड का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस पे हमें रिस्पेक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।